स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट का पार्ट पांच, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अलजेब्रिक लिमिट एट इंफिनिटी। तो देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पांचवा पार्ट। तो क्या है लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एट इंफिनिटी? तो देखिए अगर y इक्वल टू a टू द पावर x फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? डोमेन होगा रियल नंबर और रेंज जो होगा वो होगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और देखिए इसमें केस का क्या होगा, हम लोग तीन डिफरेंट केसेस को देख रहे हैं। ये कंडीशन है जब a एक से बड़ा है, ठीक है। इस केस में अगर देखें तो x एक्सिस इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है, अब देखिए a अगर एक से बड़ा है तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, इसका नेचर है इंक्रीजिंग, ठीक है, इसका नेचर इंक्रीजिंग है और यहां पर है ये 0-1। अब देखिए इस फंक्शन के ग्राफ में, ग्राफ से ये क्लियर पता चल रहा है कि जब आप लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, जब x में बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो y में भी आप बढ़ते हुए ऊंचाई अलग अलग आपको मिलता जाएगा, यानी y भी बढ़ रहा है और x भी बढ़ रहा है। तो जैसे ही लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे a टू द पावर x, ये हो जाएगा क्या, ये होगा टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। और जैसे ही आप लिमिट एक्सटेंस टू माइनस इंफिनिटी करेंगे, इस केस में जैसे एक्सटेंस टू माइनस इंफिनिटी करेंगे ये क्या होगा, टेंस टू 0 के तरफ जाएगा, ठीक है। यानी इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है लिमिट का जो आंसर आएगा वो 0 होगा, ये टेंड करेगा 0 के तरफ और इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो ये जब a एक से बड़ा था तब का ये कंडीशन है। अब देखिए जब यहाँ 0 से बड़ा a और एक से छोटा रहेगा, इस केस में ग्राफ होगा ऐसा। तो इस केस में देखिए यहाँ भी ये 0 से 1 है, ये ग्राफ जैसे x के एक्सिस के तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, x एक्सिस के तरफ जैसे बढ़ते जा रहे हैं इसका ऊंचाई घटते जा रहा है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कोई भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को ग्राफ से पहचानने का यही तरीका है, आप x के पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ बढ़ते जाइए और देखिए क्या ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर x एक्सिस की तरफ बढ़ते हुए ग्राफ का ऊंचाई घट रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और x एक्सिस की तरफ बढ़ते हुए ग्राफ का ऊंचाई बढ़ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, डोमेन अभी भी रियल नंबर है और रेंज अभी भी 0 से इंफिनिटी है, ठीक है। और ये ग्राफ क्या है, ग्राफ डिक्रीजिंग है और x एक्सिस इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है। यहां पर अगर आप देखिए इस केस में तो लिमिट x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी a टू द पावर x, ये 0 को टेंड कर रहा है यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा। x के तरफ आप बढ़ रहे हैं, ये ग्राफ x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है तो ऊंचाई धीरे धीरे घटते जा रहा है, तो ये इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा। और वही लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी कर दें a टू द पावर x, इस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी, ठीक है बच्चों। अब तीसरा केस देखते हैं, आप इसको नोट कीजिए बच्चों, अब हम लोग इसमें तीसरा केस देखते हैं कि व्हेन a इक्वल टू 1 है, तो जब a इक्वल टू 1 रहेगा तो ग्राफ ऐसा आएगा हम लोग के पास, जब a इक्वल टू 1 है तो a टू द पावर x और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी करें प्लस में या माइनस में, ये ऑलवेज होगा 1, ठीक है, क्योंकि इसका ऊंचाई हर जगह एक ही है। तो ये हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का
लिमिट। अब थोड़ा सा देखें हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन का लिमिट, मतलब एल्जेब्रिक, मतलब हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जो होता है फंक्शन, उसका लिमिट देखते हैं। चलिए बच्चों तो इसको देखते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू के बाय एक्स, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? अगर k जीरो से बड़ा है, अगर k जीरो से बड़ा है तो इस केस में ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। और जब आप प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे, लिमिट x टेंस टू प्लस इंफिनिटी और k बाय एक्स, तो देखिए ये फंक्शन किसको टेंड कर रहा है? जीरो को, ठीक। लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी भी आप बढ़ना चाहेंगे तो ये फंक्शन किसको टेंड कर रहा है? जीरो को, देखिए इधर। और लिमिट x टेंस टू प्लस इंफिनिटी, सॉरी जीरो प्लस, जीरो प्लस मतलब ये इस कंडीशन में k बाय एक्स किसको टेंड कर रहा है? प्लस इंफिनिटी को, प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। और लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस पर देखिए, तो जीरो माइनस यानी जीरो से कम इस जगह पर अगर देखिएगा तो y किसको टेंड कर रहा है? माइनस इंफिनिटी को, ठीक है बच्चों। अब इसी में आप देखिए कि अगर k जीरो से छोटा होगा तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, k जीरो से अगर छोटा है तो ग्राफ होगा ऐसा। इस केस में आप देखिए ये k जीरो से छोटा का है ग्राफ है, और यहां भी फंक्शन है y बराबर k बाय एक्स। जैसे आप लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस करेंगे, देखिए जीरो प्लस में ये फंक्शन कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस में अगर देखें k बाय एक्स, जीरो माइनस में ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक। और लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी किसी भी केस में आप प्लस इन्फिनिटी देख लीजिए, प्लस इन्फिनिटी अगर देखिएगा तो भी ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, और लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी देखिए तो भी ये जीरो को टेंड कर रहा है। सिमिलरली अब दूसरा फंक्शन देखते हैं y बराबर k बाय एक्स स्क्वायर, और यहां भी एक बार ले लेते हैं y बराबर k बाय एक्स स्क्वायर। इस कंडीशन में k जीरो से बड़ा है और इस कंडीशन में k जीरो से छोटा है। इस केस के लिए अगर देखिए k जीरो से अगर बड़ा है तो ग्राफ आपका y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा और इधर से, ठीक है। और इस केस में आप देखिए आप लिमिट x टेंस टू प्लस इंफिनिटी किए हैं तो भी ये जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है, और लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी कर रहे हैं तो भी ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, यानी ऊंचाई इसका जीरो की तरफ, ऊंचाई धीरे धीरे घटते घटते जीरो की तरफ आ गया है, ठीक है। अच्छा, यहां पर से और देखें लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस पर देखेंगे तो भी ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, और लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस को टेंड कर, जीरो माइनस की तरफ से अगर देखिएगा तो भी ये प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है बच्चों। इस कंडीशन में ग्राफ देखें तो इस कंडीशन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। इस केस में आप देखिए तो क्या हो रहा है, लिमिट x टेंस टू अगर प्लस इंफिनिटी देखें k बाय एक्स स्क्वायर प्लस इंफिनिटी तो भी ये जीरो को टेंड कर रहा है क्योंकि इसका ऊंचाई धीरे धीरे घट रहा है, और लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी देखें k बाय एक्स स्क्वायर तो भी ये जीरो को टेंड कर रहा है। लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस पर देखें तो भी ये माइनस इंफिनिटी है, और लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस पर देखें तो भी ये माइनस इंफिनिटी। तो इस तरह के फंक्शन का जो लिमिट से रिजल्ट आ रहा है बच्चों उसको ध्यान में रखना है, उसको याद नहीं करना है, इसको अपने दिमाग में सेट करना है ताकि हम लोग प्रॉब्लम में इसको अप्लाई कर सकें। अब इसको नोट कीजिए बच्चों।
अगला देखते हैं बच्चों, y इक्वल टू log x डेस ए का कंडीशन। इसमें क्या क्या कंडीशन होता है, a ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 0, है ना, जीरो मतलब a एक के बराबर नहीं होगा और x जीरो से बड़ा होगा। अब इससे दो केस बनता है कि a एक से बड़ा है और दूसरा केस में जीरो से बड़ा है a और एक से छोटा है, ठीक है, यानी दोनों को मिला के देखें तो एक के बराबर नहीं है, ठीक है, और यहाँ a जीरो से भी बड़ा है और a एक के बराबर नहीं है और x ग्रेटर देन जीरो, ये बेसिक लॉगरिथमिक फंक्शन का डेफिनेशन। तो अब यहां से देखिए, जब a एक से बड़ा है तो इस केस में क्या होगा, और x जीरो से बड़ा सब केस में होना चाहिए, इस केस में देखिए लॉग फंक्शन का ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक, लॉग फंक्शन का ग्राफ ऐसा आएगा। तो अब यहां से आप देखिए कि आप जैसे ही लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस करेंगे आप, है ना, लॉग एक्स बेस ए और जीरो प्लस करेंगे, जीरो प्लस पर इसका वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए किस नंबर को अटेम्प्ट कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, वो नंबर नहीं मतलब ज्यादा वैल्यू ये गेन कर रहा है, इस कंडीशन में ये ज्यादा वैल्यू गेन कर रहा है, यानी कितना कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी। जीरो प्लस पर ये फंक्शन का ग्राफ देखिए किसको टेंड कर रहा है, वाई एक्सिस को एट इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है, यानी इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। उसी तरह लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस पर अगर आप देखें, वन प्लस पर लॉग एक्स बेस ए क्या होगा, वन प्लस पर जस्ट वन के बगल में किसको टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एक्स बेस ए ये क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे लॉग फंक्शन का ऊंचाई बढ़ता रहेगा, तो ये केस होगा। जीरो से एक के बीच में अगर देखें तो ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है। तो आप देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस पर, जीरो प्लस पर अगर देखें इस फंक्शन को लॉग एक्स बेस ए ये क्या होगा, प्लस इंफिनिटी, ठीक है, ये होगा प्लस इंफिनिटी। मैं देखें बच्चों अगला, लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी की तरफ हम बढ़ना चाहें तो log x tends to a क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, इसका y जो है बढ़ता जा रहा है किधर, निगेटिव डायरेक्शन में। और लिमिट x tends to इसी तरह अगर करके देखें 1 प्लस पर log x बेस ए, तो 1 प्लस पर 1 की तरफ बढ़ना स्टार्ट करें इधर से, तो ये किसको टेंड कर रहा है, y इक्वल टू 0 को टेंड कर रहा है बच्चों। तो ये हुआ कहानी। अब हम लोग देखें एलजेब्रिक लिमिट, मतलब ये इनफाइनाइट लिमिट जो होता है, जो एलजेब्रिक होता है फंक्शन, उसका इनफाइनाइट लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक रूल है, हम इसको यूज कर रहे हैं बच्चों। मान लीजिए कि आपके पास फंक्शन है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स, और ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, और लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी जी एक्स ये भी टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। अब फंक्शन आपके पास दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाय जी एक्स, ऐसा दिया हुआ है, तो क्या करना है, राइट द गिवन लिमिट एज लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाय जी एक्स, ठीक, ऐसा दिया हुआ है। दूसरा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स टू द पावर एन, जहां एन क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x टू दी पावर n से डिवाइड करना है, और n क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और तीसरा बात क्या है कि आपको ये यूज करना है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी k बाय x टू दी पावर n, ठीक है, जहां n आपका जो है नेचुरल नंबर है, ये क्या होगा, जीरो होगा। इस चीज का यूज करना है। तो इस पर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल देखते हैं बच्चों, आप इसको नोट कीजिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। इस पर बेस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मान लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और यहाँ लिखा है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और यहाँ दिया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब सी एक्स या पी एक्स प्लस क्यू, ऐसा दिया हुआ है। तो आप देखिए ऊपर वाला जो फंक्शन है उसमें हाईएस्ट पावर x का कितना है, एक्सपोनेंट 3 है, और डिनोमिनेटर में भी देखिए x पर हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, ठीक है। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ x क्यू से डिवाइड कर देंगे, या आप कॉमन भी ले सकते हैं, और टेक x टू द पावर n कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप ये भी कर सकते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा, ये हो जाएगा a d बाय x c बाय x स्क्वायर और d बाय x क्यूब, यानी आप ऊपर नीचे x क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a बाय x b p बाय x स्क्वायर और q बाय x क्यूब। जैसे ही लिमिट लेंगे ये चीज का यूज करेंगे, आप इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस ये हो जाएगा जीरो 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 बाय जीरो प्लस b प्लस जीरो प्लस जीरो, यानी हो गया आंसर आपका a बाय b, ठीक है बच्चों। ओके तो हम इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों, आप इसको नोट कीजिए। एक छोटा सा इसमें एक ट्रिक भी देखते हैं बच्चों, ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं। मान लीजिए आपको लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a नॉट x टू द पावर n, a वन x टू द पावर n माइनस वन, a टू x टू द पावर n माइनस टू, और ये a n माइनस वन x प्लस a n दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर में सोच लीजिए आपको दिया है बी नॉट एक्स टू दी पावर एम बी वन एक्स टू दी पावर एम माइनस वन बी टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, और इस तरह करते करते यहाँ बी एम माइनस वन एक्स प्लस बी एम है, ठीक है। तो नीचे भी एक एलजेब्रिक फंक्शन है। तो अब देखिए शॉर्टकट भी क्या है, इसका आंसर होगा जीरो, कब, जब नीचे वाला पावर ऊपर वाला से ज्यादा होगा, यानी m जब बड़ा होगा n से। इसका वैल्यू होगा a नॉट बाई बी नॉट, जब m और n बराबर हो, यानी दोनों एक ही पावर का फंक्शन होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू होगा बच्चों प्लस इन्फिनिटी अगर m ग्रेटर देन n है, और ये होगा माइनस इन्फिनिटी इस केस में भी जब n ग्रेटर देन, और यहाँ बच्चों n ग्रेटर देन m, और यहाँ भी n ग्रेटर देन m, क्योंकि ऊपर का पावर नीचे से ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों सेम ही केस हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या रखना होगा आपको कि a नॉट b नॉट ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो से बड़ा है तो प्लस इन्फिनिटी, और ये दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो से छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर नीचे का पावर ऊपर के पावर से ज्यादा है, देखिए डिनोमिनेटर का पावर मतलब पावर ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा है पावर ऑफ न्यूमरेटर से, तो इसका आंसर होगा जीरो। अगर आप पावर ऑफ न्यूमरेटर बराबर हो जाए पावर ऑफ डिनोमिनेटर के, तो होगा रेशियो ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, ये होगा रेशियो ऑफ
लीडिंग कोफिशियंट। ठीक, उसके बाद प्लस इंफिनिटी अगर एन यानी न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो तो प्लस इंफिनिटी, और न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से इसमें भी ज्यादा भी हो तो भी माइनस इंफिनिटी। अब ये प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो ए नॉट और बी नॉट यानी जो बड़ा पावर है उसका कोफिशियंट, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है तो प्लस इंफिनिटी, ये दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो से छोटा है तो माइनस इंफिनिटी। एक छोटा सा ट्रिक है बच्चों, इसको हम लोग सवाल में लगाएंगे। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ सवाल देखते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए बच्चों, हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए बच्चों इस पर कुछ सवाल आधारित है, हम लोग देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x³ - 6 बाय √9 + 4x⁴। अब देखिए अगर ये सब टर्म नहीं होता, सिर्फ x 6 होता तो उसका रूट क्या हो जाता, x क्यूब होता। तो ऊपर नीचे से हम लोग x 6 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो x 6 कॉमन ले लीजिए 5x³ - 6। यहां से x 6 कॉमन लेंगे आप तो हो जाएगा 4 + 9 / x⁶। और यहां से ऊपर वाले से भी x क्यूब कॉमन ले लीजिए आप तो क्या आएगा 5 - 6 / x³। और यहां से ये निकल जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ बचेगा 4 + 9 / x⁶। ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब लिमिट बैठा दीजिए, ऊपर में हो गया 5 और नीचे में √4 + 0 यानी 2। ठीक है, सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए ये फॉर हावर्स फॉर्मूला है। ठीक है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 उसी पर बेस्ट सीरीज है ये। इसका जोड़ होता है, आप देखिए इसका इस तरह के फंक्शन का सम कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए 1 से r = 1 से n और r, इसको आप लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + इस तरह करके इसका जोड़ होता है n (n+1)/2। फिर उसी तरह 1 से n r² ठीक है, यहाँ r बराबर 1 है और ये r बराबर n है। सिमिलरली यहाँ भी है, यह होगा n (n+1)/2n+1)/6। सिमिलरली 1 से n r³, यह होगा n(n+1)/2² ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। हम अगला फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं ऊपर। अगला देखते हैं, तो 1 से n r⁴, ये हो जाएगा n(n+1)/2n+1)/3n²+3n-1/30। अगला देखते हैं 1 से n r⁵, ये हो जाएगा n(n+1)/2n²+2n-1/12। और अगला देखते हैं बच्चों 1 से n r⁶, ये होगा n(n+1)/2n+1)/3n⁴+6n³-3n+1/42। ठीक है बच्चों, ये सारा फॉर्मूला साइंटिस्ट के नाम पर से फॉल हेवर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो उसी के नाम पर है ये r = n r = 1। तो ये चीज हम लोग सवाल में यूज करेंगे। तो देखिए इस पर बेस्ड हम लोग सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये सब सवाल के बीच में ही यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं, इस पर बेस्ड सवाल नंबर 2 है, तो देखते हैं उसको। सवाल नंबर 2 देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 - n/n²। इसको हम लोग लिख सकते हैं n(n+1)/2n², नीचे n स्क्वायर था। ठीक है, एक n से एक n यहाँ कैंसिल कीजिए और
अब ये जो n है इसको आप n बाय n प्लस 1 बाय n कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हाफ और ये हो गया 1 प्लस 1 बाय n। तो अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये हो गया आंसर हाफ। इसी सवाल को बच्चों हम लोग दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ फार्मूला लगाए n इंटू n प्लस 1 बाय 2n स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस n बाय 2n स्क्वायर हो गया। अब ऊपर नीचे पावर सेम है और n स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है और n स्क्वायर का कोफिशियंट 2 है, तो आंसर हो गया हाफ। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं जो ट्रिक हम लोग यूज किए थे। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 3, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 देखते हैं। एफ एक्स का मान दिया है ए एक्स प्लस बी बाय एक्स प्लस 1 और लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स का मान दिया है 2। तो ठीक है, इसमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एक्स प्लस बी बाय एक्स प्लस 1 इसका वैल्यू है 2। जब x टेंस टू 0 इसमें डायरेक्ट बैठा दीजिए क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब b का मान आ गया 2, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन दिया है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स का मान है 1, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी कीजिए आप ए एक्स प्लस बी बाय एक्स प्लस 1, ये है 1, ऊपर नीचे x का पावर सेम और इसका कोफिशियंट a और 1 है, तो a का मान आ गया 1। अब फंक्शन में भर देते हैं तो एफ एक्स का मान हो गया आपका x प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1, इसमें f माइनस 2 भरेंगे आप क्या होगा माइनस 2 प्लस 2 बाय माइनस 2 प्लस 1 यानी हो गया 0 और ये प्रूव हो गया बच्चों। अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर। सवाल देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एन स्क्वायर और बाय एन क्यू। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 बाय 6 हो जाएगा और नीचे एन क्यू है। तो अब यहाँ से देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ से एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 और ये 1 बाय 6 को बाहर खींचिए तो यहाँ से आएगा एन एन एन, तीन बार गुना करके। अब 1 बाय 6 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये तो कैंसिल हो गया और इसमें 1 प्लस 1 बाय n और यहाँ 2 प्लस 1 बाय n हुआ। अब लिमिट ले लीजिए आप तो 1 बाय 6 इंटू 1 इंटू 2 यानी 1 बाय 3। इसी सवाल को आप दूसरे तरीका से बना सकते हैं, देखिए ट्रिक के मदद से अगर इसको हम लोग गुना करें तो 2n क्यू आएगा n स्क्वायर और 2n, 2n क्यू ऊपर आ जाएगा 2n क्यू प्लस समथिंग समथिंग आएगा इससे छोटा पावर वाला और नीचे 6n क्यू है। तो अब देखिए लीडिंग कोफिशियंट का रेशियो 2 बाय 6 यानी 1 बाय 3 वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सवाल देखते हैं 5 नंबर, ठीक है। ये 4 नंबर था, 5 नंबर सवाल देखते हैं। तो 5 नंबर सवाल देखें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 क्यू 2 क्यू n क्यू बाय n माइनस 1 का होल 4, ठीक है बच्चों। तो देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय n माइनस 1 का होल 4। ये 2 का स्क्वायर बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा 1 बाय 4 और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कीजिएगा तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय n माइनस 1 का होल 4, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से देखिए 1 बाय 4 इसको जब आप गुना करेंगे तो हो जाएगा ऐसा n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस 2 n प्लस 1 कुछ ऐसा होगा और यहाँ n माइनस 1 का होल 4 आएगा, ठीक है। तो इसको भी जब आप खोलेंगे तो शुरू में टर्म क्या आएगा n 4 प्लस समथिंग समथिंग पावर आगे घटते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी n 4 तो इसका दोनों इसका कोफिशियंट भी 1 और इसका कोफिशियंट भी 1 तो आंसर आ जाएगा 1 बाय 4, ठीक है बच्चों। आप देखते हैं हम लोग अगला सवाल 6 नंबर। तो 6 नंबर सवाल देखें, देखिए बच्चों ये एक जीपी का सवाल है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर और ए आर टू द पावर n माइनस 1।
इस जीपी का जोड़ जो होता है ये होता है ए वन माइनस आर टू दी पावर एन बाय वन माइनस आर अगर आर का वैल्यू एक से छोटा है, और इसका वैल्यू होता है ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन जब आर का वैल्यू एक से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं आर क्या है, वो कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो मतलब आप कहें हर कंसेक्यूटिव पर सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, कोई भी दो टर्म कंसेक्यूटिव ले लें तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये कॉमन रेशियो होगा। तो आप इस सवाल को देखिए, यहाँ दिया है वन बाय थ्री, वन बाय थ्री स्क्वायर, वन बाय थ्री क्यूब, और ये चलता जा रहा है वन बाय थ्री टू दी पावर एन, और एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म है वन बाय थ्री और आर है वन बाय थ्री, क्योंकि इसमें वन बाय थ्री गुना करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगा, या इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो वन बाय थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये क्या है, एक से छोटा, यानी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो आप इसका जोड़ क्या लिखेंगे, वन बाय थ्री वन माइनस वन बाय थ्री टू दी पावर एन बाय वन माइनस वन बाय थ्री, ये हुआ। अब लिमिट ले लें, आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे ही लिमिट लेंगे ये चीज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ देखिए बच्चों लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर करेंगे एस, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई थ्री वन माइनस थ्री टू दी पावर एन, और ये हो जाएगा टू बाई थ्री। ठीक है, तो ये थ्री थ्री से कैंसिल हो गया, बचा वन बाई टू। ठीक, अब यहाँ पर आया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन माइनस वन बाय थ्री टू दी पावर एन, अब ये टर्म क्या होगा, जीरो होगा, तो बचेगा क्या, वन माइनस जीरो, यानी आंसर आ गया हाफ। ओके बच्चों, सेवन नंबर सवाल देखते हैं। सेवन नंबर सवाल देखते हैं क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन फोर टू फोर एन फोर बाय एन फाइव माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन क्यू टू क्यू एन क्यू बाय एन फाइव। ठीक है, यहाँ भी एन फाइव है और यहाँ भी एन फाइव। ठीक, देखिए वन फोर टू फोर थ्री फोर एन फोर का एक फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ, आप इसको लिखिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन इंटू थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस वन बाय थर्टी एन फाइव माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसको अगर आप लिखेंगे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर बाय एन फाइव। अब यहाँ देखिए अगर एन स्क्वायर का गुना करें एन से तो एन क्यू होगा, एन क्यू इस एन स्क्वायर से गुना होगा तो एन फाइव हो जाएगा। तो n5 का जो कोफिशियंट है ऊपर में क्या होगा, 3 टू जा 6 और 1, यानी हो जाएगा कितना, 6 बाय 30। ट्रिक का यूज करें तो 6 बाय 30 इसका वैल्यू है माइनस, यहाँ देखिए ऊपर का पावर अगर देखेंगे तो n स्क्वायर का स्क्वायर यानी n4 होगा हाईएस्ट पावर और यहाँ n5 है, ये हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा 1 बाय 5। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखें तो क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाय एन क्यू। तो अब क्या है, इस टर्म का जोड़ निकालना है, पहले इस टर्म के जोड़ के साथ इसको डिवाइड करके लिमिट निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं s बराबर है 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 प्लस n इंटू n प्लस 1, यानी ये n टर्म्स तक गया है। इसका आठ टर्म अगर निकालें तो क्या देखिए, यहाँ पर हर एक फंक्शन में इसका पहला टर्म, इसका दूसरा टर्म, इसका तीसरा टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ यानी आठ टर्म ऑफ 1 2 3 ऐसा जाएगा इनटू, क्योंकि हर टर्म दो टर्म का प्रोडक्ट है, दो नंबर का। तो यहाँ क्या होगा, आर्थ टर्म ऑफ 2 3 4 सेकेंड वाला 2 3 4 जाएगा आर्थ टर्म तक। तो देखिए
इसका आर्थ टर्म क्या होगा, आर होगा। पहला टर्म वन है, दूसरा टर्म टू है, तीसरा टर्म थ्री है, तो आठवां टर्म आर होगा। या आप एटी का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इससे एक ज्यादा सेकंड टर्म, तो ये होगा आठ प्लस वन, ये होगी आपका टी आर। इसको गुना कर दें आप तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर। अब आपको निकालना है एस, तो क्या होगा वन से एन टी आर, यानी वन से एन आर स्क्वायर प्लस आर। इसको जोड़ेंगे आप तो वन से एन आर स्क्वायर और वन से एन आर होगा, और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, और ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। पर इरेज कर रहा हूं बच्चों, तो यहां देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एस बाय एन क्यू, एस बाय एन क्यू अगर करेंगे आप तो आएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, और यहाँ भी एन क्यू और यहाँ भी एन क्यू करेंगे आप, ठीक है। और आप लिमिट ले रहे हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखिए अगर आप टू एन इंटू एन इंटू एन करेंगे तो टू एन क्यू हो जाएगा, और नीचे सिक्स एन क्यू है तो इसका आंसर आ जाएगा टू बाई सिक्स, और यहाँ पर ऊपर से नीचे ज़्यादा पावर है इसका आंसर हो जाएगा जीरो, तो आंसर हो जाएगा वन बाई थ्री, ठीक है बच्चों। नाइन नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, नाइन नंबर सवाल को देखें, इसमें एक्स का हाईएस्ट पावर है कितना, टेन, ठीक है। तो आप सब में एक्स टू दी पावर टेन कॉमन ले लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। आप पहला टर्म में अगर एक्स कॉमन लेंगे तो वन प्लस वन बाय एक्स होल टू दी पावर टेन, सिमिलरली सेकेंड वाले में एक्स इंटू वन प्लस टू बाय एक्स होल टू दी पावर टेन, और ये चलता जाएगा कार्यक्रम, ये कहाँ तक जाएगा, हंड्रेड टर्म्स तक, ठीक है। और नीचे x टू दी पावर 10 कॉमन ले रहे हैं आप, वन प्लस टेन टू दी पावर 10 बाय x टू दी पावर 10, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, सब में x टू दी पावर 10 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ आएगा वन प्लस वन बाय एक्स होल टू दी पावर 10, वन प्लस टू बाय एक्स होल टू दी पावर 10, और ये चलता जाएगा 100 टर्म्स तक। और नीचे भी x टू दी पावर 10, 1 प्लस 10 टू दी पावर 10 बाय x टू दी पावर 10, ये कैंसिल हुआ बच्चों और लिमिट ले ली। तो देखिए ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, सिर्फ 1 बचेगा, 1 पर 10 पावर 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ कहाँ तक जाएगा, 100 टर्म्स तक। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0, यानी ऊपर में 100 नीचे 1, आंसर हो जाएगा 100, ठीक है बच्चों। तो ये सब सवाल को आप नोट कीजिए बच्चों। अब इस पर हम लोग एक दूसरा फॉर्म देखते हैं, देखिए उस फॉर्म को भी हम लोग देख लें, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों। दूसरा फॉर्म क्या है कि मान लीजिए इसको हम लोग इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म का था एक फॉर्म, कि मान लीजिए कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स, ये भी टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, और लिमिट एक्सटेंड्स टू जी एक्स, एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी सॉरी जी एक्स, ये भी टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। और आपको दिया सवाल कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस जी एक्स का वैल्यू निकालिए, ठीक। तो आप करेंगे क्या, जो ये सवाल दिया हुआ है इसको लिखेंगे और रैशनलाइज करेंगे, इसको रैशनलाइज द गिवन एक्सप्रेशन एंड कन्वर्ट इट इन इट इनटू द फॉर्म अ फॉर्म लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाई जी एक्स या पी एक्स बाई क्यू एक्स, इस तरह के फॉर्म में लाना है। और इस तरह के फॉर्म को तोड़ने का मेथड हम लोग देख चुके हैं, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में लाना है ना, इस फॉर्म में लाके और उसके बाद सॉल्व करें। इस पर एक सवाल देखते हैं बच्चों, रूट एक्स, रूट एक्स प्लस सी माइनस रूट एक्स, यही है,
अब देखिए यहाँ पर ये फंक्शन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को गेन कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे, इसको इसको रेशनलाइज कीजिए। रूट एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस सी माइनस रूट एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स, और नीचे रूट एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रूट एक्स, इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक्स प्लस सी में एक्स जाएगा तो बचेगा सी, और नीचे रूट एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स, ठीक। अब क्या कीजिए, यहाँ के बाद यहाँ आ गया है आपके पास सी रूट एक्स, इसमें से रूट एक्स कॉमन लेंगे आप तो यहाँ जाएगा वन प्लस, मतलब रूट के अंदर वन प्लस सी बाय एक्स, ठीक है। और यहाँ रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो वन आ जाएगा, ये रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट भरिए तो यह जाएगा ऊपर में सी नीचे वन प्लस जीरो, यानी वन और वन टू, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। अब इस पर रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग और देखते हैं बच्चों, तब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों इस पर पहला सवाल है यहाँ, ठीक है, कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ये दिया है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए स्क्वायर और माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है बच्चों, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये होगा, और इसके उल्टा से नीचे गुणा कर देंगे ठीक। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर में अगर देखें तो बचा ए एक्स। अब यहां अगर कोई फंक्शन नहीं रहता ऐसा सोचिए तो इसका रूट क्या होता है, एक्स होता है। इसका रूट क्या होता है, यहाँ ए स्क्वायर नहीं रहता तो इसका रूट क्या होता है, एक्स होता। तो आप डायरेक्ट से इसको एक्स स्क्वायर को बाहर ले लीजिए तो अंदर में सब ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा। अच्छा देख ही लीजिए, एक्स अगर आप कॉमन ले लेंगे इससे एक्स स्क्वायर पर एक्स बाहर आएगा, अंदर में आएगा ए बाय एक्स और ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ से भी डायरेक्ट कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ क्या आएगा वन प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब एक्स एक्स को कैंसिल कर दीजिए और लिमिट भरिए, ए बाय ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, तो बचा वन और वन टू, ये हो गया आंसर। सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, अब क्या है यहाँ जब माइनस इन्फिनिटी दे दे तब हम लोग क्या करें। तो इस केस के लिए एक छोटा सा मतलब एक छोटा सा सजेशन है कि आप पुट कर दीजिए सब केस में, जब लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और एफ एक्स माइनस जी एक्स ऐसा दे आपको, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करें, पुट करें एक्स बराबर माइनस वन बाय वाई, ठीक है। तो आप y बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस वन बाय एक्स। देखिए वो रेक्टेंगुलर वाला जो फंक्शन हम लोग बनाए थे वैसा ही है, जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो y टेंस टू क्या होगा, जीरो, उसी चीज से ही आया। तो इस केस में जब भी इस तरह का सवाल आए कि माइनस इन्फिनिटी रहे तो आप इस मेथड का यूज करें। तो देखिए दो नंबर सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों, दो नंबर सवाल है इसलिए हम इसको मिटाए नहीं है कि आप इसको देखें, पुट किए x बराबर माइनस वन बाय वाई तो y का मान हो गया माइनस वन बाय एक्स, जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो y टेंस टू जीरो होगा। अब इस सवाल में क्या हो गया, जहां x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी था वहां y टेंस टू जीरो लिख सकते हैं, और x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस वन बाय वाई, तो हो गया y वन बाय वाई स्क्वायर प्लस वन बाय वाई प्लस वन और माइनस वन बाय वाई। तो देखिए लिमिट y टेंस टू जीरो हो गया, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर फुट के अंदर और वन प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर आएगा और माइनस वन बाय वाई आएगा। लिमिट y टेंस टू जीरो करेंगे आप तो आएगा वन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन बाय माइनस वन बाय वाई। अब ऊपर में रेशनल पावर है, इसको हटाएंगे रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन माइनस वन बाय वाई इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस
वन प्लस वन, ऐसा आएगा, वन वन कैंसिल हुआ। और यहाँ से y कॉमन अगर लेके हटाएंगे तो क्या आएगा, y इंटू वाई प्लस वन बाय वाई इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन और प्लस वन। यहाँ लिमिट y टेंस टू जीरो है, y से y कैंसिल कीजिए और लिमिट का वैल्यू बैठा दीजिए, ऊपर में हो गया वन और नीचे हो गया टू, तो इसका आंसर हो जाएगा वन बाई टू। थर्ड नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, दिया है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी जीरो से x वन बाय रूट ओवर वन प्लस टी स्क्वायर माइनस वन बाय वन प्लस टी होल इंटू डी टी। इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। देखिए इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, देखिए क्या है, वन बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर क्यूब एक्स स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। इसको आप भर दीजिए, क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस रूट ओवर वन प्लस टी स्क्वायर और लिमिट जीरो से एक्स। आगे इसका लॉग वन प्लस टी और लिमिट जीरो से एक्स। अब इसको सॉल्व करें, यहां बैठाएंगे वैल्यू, क्या होगा, एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको बैठाएंगे तो लॉग वन का मान आएगा जीरो, तो जीरो ही हो गया। यहां बैठाते हैं लॉग वन प्लस एक्स, जीरो बैठाएंगे तो लॉग वन जीरो हो जाएगा, यानी यही हम लोग के पास आया, ठीक। ऊपर इरेज करते हैं बच्चों, यानी आया हम लोग के पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग, ये बेस e है बच्चों, इसका आप ln x भी कर सकते हैं, ln इतना माइनस ln इतना, लॉग x प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग वन प्लस एक्स। देखिए अब ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म में आ चुका है, इसको क्या करेंगे, अब रैशनलाइज करेंगे, तो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब log m माइनस log n को क्या करेंगे, x यानी x स्क्वायर प्लस वन प्लस x, अब बाय इसको डिनोमिनेटर में जाएगा ये x प्लस वन। अब देखिए यहां आप लिख सकते हैं log, log का जो प्रॉपर्टीज था हम लोग जो पढ़े थे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब यहाँ पर इस दोनों में x कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में x कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आएगा, रूट ओवर वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर और प्लस वन, और यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो वन प्लस वन बाय एक्स, ठीक है, x x कैंसिल हुआ और लिमिट भर दीजिए, तो देखिए क्या होगा, ये जीरो वन और वन टू बाय वन, यानी आ गया लॉग टू, ठीक है बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर फोर, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी, इसका वैल्यू जीरो दिया है और आपको निकालना है a और b का वैल्यू, ठीक, यानी ये जो भी लिमिट है इसका आंसर दिया हुआ है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब देखिए ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें एलसीएम आप ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन, ठीक है, और इसका आंसर जीरो दिया हुआ है। तो आप देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी बाय एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, दोनों को गुना कर दिए। अब यहाँ से देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर यहाँ और एक्स स्क्वायर यहाँ है,
तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, वन माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। फिर ए प्लस बी होल इंटू एक्स, तो इसको लिख लीजिए आप, ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस वन माइनस बी होल बाय एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इस तरह के सवाल में आप यही कीजिए बच्चों कि एलजेब्रिक पॉलिनोमियल को पावर के घटाते हुए टर्म में आप लिखिए। अब आप देखिए इसका आंसर जीरो है, तो इसका आंसर जीरो कैसे हो सकता है, एक्स तो जीरो है नहीं, एक्स लार्ज वैल्यू को टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो कब होगा। अगर आप ट्रिक वाला जो टॉपिक हम लोग देखे थे उसमें भी नीचे का पावर अगर ऊपर के पावर से ज्यादा है, यानी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कोई भी कांस्टेंट बाय एक्स टू दी पावर एन, ये होता है जीरो, यानी ये ऊपर में कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल है, इसका मतलब ये टर्म को जीरो होना होगा। और ये टर्म जीरो कब होगा, जब वन माइनस ए जीरो हो तब जीरो होगा, या और साथ में ये भी जीरो हो, ए प्लस बी भी जीरो हो, तब क्या बचेगा, इतना बाय इतना और एनीथिंग बाय इन्फिनिटी, तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों को जीरो होना होगा। तो यहाँ से ए का मान आ गया वन और बी बराबर माइनस ए है, तो इसका मान हो गया माइनस वन, यानी ए बराबर वन और बी बराबर माइनस वन, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, इसमें भी ए और बी का मान चाहिए, देखते हैं इसको भी। तो सवाल नंबर हम लोग पांच देखते हैं, क्या है, फाइंड ए एंड बी लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स प्लस बी, और ये इसका वैल्यू जीरो दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं एक्स बराबर माइनस वन बाय वाई, ठीक है, यानी हो गया यहाँ से वाई का मान माइनस वन बाय एक्स, तो जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो y टेंस टू जीरो होगा, तो ठीक। तो लिमिट y टेंस टू जीरो यहाँ अगर हम लोग लिखे तो x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा वन बाय वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा प्लस वन बाय वाई प्लस वन माइनस a इंटू एक्स का मान है तो ये हो जाएगा माइनस ए बाय वाई और प्लस b, और इसका वैल्यू है जीरो। तो लिमिट वाई टेंस टू जीरो इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन बाय वाई आएगा, और यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो ए बाय वाई माइनस बी आएगा, और वो जीरो के बराबर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये हो गया लिमिट वाई टेंस टू जीरो, यहाँ हो जाएगा रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, अब यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी बाय और टोटल बाय वाई, और ये है जीरो। ऊपर में देखिए रेशनल टर्म है, रेशनल पावर है, इस पर पावर रेशनल है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन माइनस ए माइनस बी वाई का होल स्क्वायर बाय वाई इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन प्लस ए माइनस बी वाई, और इसका वैल्यू है जीरो। अब देखिए लिमिट y टेंस टू जीरो किए, यहाँ से इसको ओपन किए तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी वाई, और बाय वाई इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन प्लस ए माइनस बी वाई। अब देखिए लिमिट y टेंस टू जीरो और इसका वैल्यू है जीरो, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन है तो वाई स्क्वायर कॉमन लीजिए, वन माइनस बी स्क्वायर आया, ठीक। फिर y देखिए यहाँ है और यहाँ है तो y कॉमन लीजिए तो क्या आएगा, y कॉमन आने के बाद वन प्लस टू ए बी, ठीक, और फिर वन माइनस ए स्क्वायर बाय वाई, और देखिए ये एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट, तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू बैठा सकते हैं, ठीक है, इसमें डायरेक्ट ही आप वैल्यू बैठा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा
वन प्लस ए। ठीक, अब देखिए इसका आंसर जीरो है, तो इसका आंसर जीरो कब होगा? क्योंकि ये तो वैल्यू दे रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, इसका आंसर जीरो कब होगा? जब ऊपर जीरो होगा, यानी इससे ज्यादा पावर ऊपर रहेगा। ठीक है, इससे ज्यादा पावर ऊपर रहेगा, यानी इस केस में इसको होना होगा जीरो, इसको होना होगा जीरो, तब ऊपर में ज्यादा पावर आएगा, और इसको भी होना होगा जीरो, यानी वन माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू होगा जीरो और वन प्लस टू ए बी का मान होगा जीरो। ठीक है, तो यहां से ए का मान आ गया प्लस माइनस वन, और यहां से बी का मान आ गया माइनस वन बाय टू ए, यानी प्लस माइनस हाफ। अगर आप प्लस माइनस वन रखेंगे तो बी का मान आ जाएगा प्लस वन, यानी माइनस प्लस वन बाय टू। तो इसका मतलब है ए का मान अगर आप हाफ रखेंगे तो बी का मान आएगा माइनस हाफ, ए का मान सॉरी वन रखेंगे प्लस वन तो बी का मान आएगा माइनस हाफ, और ए का मान अगर माइनस वन रखेंगे तो बी का मान आ जाएगा प्लस हाफ। तो यही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर सिक्स। सवाल नंबर सिक्स में दिया है कैपिटल एफ एक्स है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स टू दी पावर टू एन एफ एक्स प्लस जी एक्स बाय एक्स टू दी पावर टू एन प्लस वन। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर टू टू दी पावर एन एफ एक्स प्लस जी एक्स बाय एक्स टू दी पावर टू होल इन टू एन प्लस वन। ठीक है बच्चों, अब ये एक्स स्क्वायर पर, एक्स स्क्वायर क्या क्या हो सकता है उस पर डिपेंड करेगा, है ना, कि क्योंकि ये एक तरह का वेरिएबल है जिस जो डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर पूरा कि ये किस तरह का वैल्यू अटेंड कर रहा है। जैसे कि हम लोग केस वन अगर देखें, ठीक है, कि अगर जीरो से बड़ा है एक्स स्क्वायर और एक से छोटा है, जीरो से बड़ा है एक्स स्क्वायर और एक से छोटा है, तो क्या होगा? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टू दी पावर एन, ये क्या होगा? जीरो होगा। जीरो से बड़ा और एक से छोटा में इसका वैल्यू होगा जीरो, तो आपका एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? ये हो गया जीरो इंटू एफ एक्स, जीरो इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स बाय जीरो प्लस वन, तो आंसर आएगा आपका सिर्फ जी एक्स। कैपिटल एफ एक्स का मान आएगा सिर्फ जी एक्स। केस टू देखते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन है, एग्जैक्ट वन, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू एक्स स्क्वायर पर पावर एन देंगे तो वो भी वन आएगा, तो उस केस में एफ एक्स का मान आएगा, ये वन हो गया इंटू एफ एक्स, वन इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स बाय वन प्लस वन, यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स बाय टू। ठीक है बच्चों, और केस थ्री, इसमें अगर देखें एक्स स्क्वायर अगर एक से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर पर पावर एन, ये क्या होगा? ये होगा इन्फिनिटी, यानी इस केस में एफ एक्स को हम लोग बोल सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यानी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया बच्चों, एक्स टू दी पावर टू एन एफ एक्स प्लस जी एक्स बाय एक्स टू दी पावर टू एन प्लस वन। तो ठीक है, एक्स टू दी पावर टू एन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस जी एक्स बाय एक्स टू दी पावर टू एन बाय वन प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर टू एन, यानी आंसर हो जाएगा एफ एक्स। तो ये तीन डिफरेंट केसेस में बच्चों इसका आएगा कहानी, क्योंकि एक्स के बारे में आपको कुछ दिया नहीं है, इसलिए आपको अलग अलग केस बनाना होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर सेवन। सवाल नंबर सेवन देखते हैं बच्चों, इसमें क्या दिया है? लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स प्लस वन
माइनस ए एक्स प्लस बी, और इसमें दिया ये वैल्यू इन्फिनिटी है, इसमें दिया था ये जीरो है, अब की बार दे दिया है इन्फिनिटी है, और आपको निकालना है ए और बी का वैल्यू। ठीक, यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, फिर वही गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस, इसको इससे गुना कर दीजिएगा तो होगा ए एक्स स्क्वायर, कर ये लीजिए गुना ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, और यहाँ एक्स प्लस वन है और ये इन्फिनिटी है, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, बाय एक्स प्लस वन इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से इसमें कॉमन लीजिए तो वन माइनस ए होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस वन माइनस बी होल बाय एक्स प्लस वन इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये इन्फिनिटी कब होगा, जब ऊपर का पावर नीचे से ज़्यादा होगा, ऊपर का पावर जब नीचे से ज़्यादा होगा, अब ऊपर का पावर नीचे से ज़्यादा होने के लिए इसको जीरो नहीं होना चाहिए, इसको जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वन माइनस ए को जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ए इज नॉट इक्वल टू वन होगा। ठीक, और बस, और बी कोई भी रियल नंबर होगा, इस केस में इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब दूसरा बात, यहाँ ये प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ ये भी हो सकता है कि ए का मान निगेटिव में कुछ हो, एक छोड़ के कुछ निगेटिव हो, तब ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी इस केस में वन माइनस ए का मान जीरो से बड़ा भी होना चाहिए, यानी ए जो है एक से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ए एक से छोटा होना चाहिए, इस केस में इसका आंसर क्या होगा प्रॉपर बच्चों, ए एक से छोटा और बी कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एनीथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो ही हो जाएगा टोटल, तो यही इसका आंसर होगा कि ए एक से छोटा और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर आठ। सवाल नंबर आठ देखें क्या है, एस एन का मान वन प्लस टू प्लस एन टर्म्स तक, ठीक है एन, तो इसका जोड़ क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, इसका जोड़ हो जाएगा। अब बोल रहा है आपको पी एन क्या है, पी एन है एस टू बाय एस टू माइनस वन, ठीक है एस टू माइनस वन इंटू एस थ्री बाय एस थ्री माइनस वन, थोड़ा और टर्म को लेके चले तो एस फोर बाय एस फोर माइनस वन, एस फाइव बाय एस फाइव माइनस वन इंटू एस एन बाय एस एन माइनस वन। ठीक, एक काम करते हैं, एस एन बाय एस एन माइनस वन का एक जनरल टर्म बना लेते हैं, है ना, तो एस एन माइनस वन ये क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू आएगा बाय टू, इसको फैक्टराइज कीजिए तो एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस एन माइनस टू बाई टू, और फैक्टराइज करने के बाद आएगा एन प्लस टू इंटू एन माइनस वन और बाय टू, तो बचा क्या आपके पास एस एन बाय एस एन माइनस वन, एस एन बाय एस एन माइनस वन, ये क्या आ रहा है, एस एन का मान भरिए एन इंटू एन प्लस वन बाय टू बाय एन प्लस टू इंटू एन माइनस वन बाय टू, तो बच रहा है आपके पास एन इंटू एन प्लस वन बाय एन प्लस टू इंटू एन माइनस वन, ये टर्म आपके पास आता है एस एन बाय एस एन माइनस वन। अब ठीक है, पी एन को देखिए, पी एन में एस टू बाय एस टू माइनस वन बोला तो टू भरिए, क्या होगा टू इंटू थ्री, टू भरिएगा तो फोर इंटू वन, ओके एन का मान दो और दो से बड़ा है, अब इंटू यहाँ थ्री भरिए, थ्री भरिएगा तो थ्री इंटू वन यानी थ्री इंटू फोर, थ्री और थ्री प्लस वन थ्री इंटू फोर और थ्री टू फाइव और थ्री में वन गया टू इंटू। अब देखिए अगला क्या होगा, फोर, फोर भरिए तो फोर इंटू फाइव
बाय 4 to 6 और 4 में बन गया 3। ठीक, एक लास्ट और भर देते हैं हम लोग एस 5 भरिएगा तो 5 6 7 4 और लास्ट में टर्म आएगा n n+1 n+2 और n-1। अब देखते हैं कटने का क्या फैशन है, कैसे कैसे कट रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहला और यहाँ से सेकेंड टर्म से दूसरा टर्म कट रहा है। ठीक है, तो ऐसे से हम लोग कैंसिल करेंगे, 4 4 ऐसे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 5 5 ऐसे कैंसिल हो रहा है, 6 6 ऐसे कैंसिल हो रहा है, उसी तरह 7 अगला टर्म से जाएगा और इसका पहला और इसका इधर का टर्म कैंसिल होगा। ठीक है, फिर इसका पहला और इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 2 2 कैंसिल हो रहा है, फिर 3 3 कैंसिल हो रहा है, 4 4 कैंसिल हो रहा है, उसी तरह इसका ऊपर का और इसका नीचे का कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली सब कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचा है, 3 × n। ठीक है, ये भी 5 वाला नेक्स्ट y वाला से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो बचा आपके पास 3 × n, पहला और आखिरी वाला चेक कर रहे हैं। ठीक है, 5 वाला भी इसके नेक्स्ट वाला से कैंसिल हो जाएगा, 3n/n+2 ये आपके पास pn आया। अब क्या निकालना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी pn, तो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n/n+2। देखिए ऊपर में यहाँ n का कोफिशियंट 1 है, n का कोफिशियंट 3 है, तो डायरेक्ट आंसर 3 लिखिए। ठीक, 9 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, 9 नंबर सवाल देखिए क्या है, कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/sin(x)(n+1। ठीक है, और इसका वैल्यू भी दे दिया है 1, तो इसका वैल्यू अगर 1 दिया है तो ये तो निश्चित बात है कि इसका मान -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 से कम होना चाहिए। ये 1 से कम होगा कब, sin θ, ये थीटा कब होता है अंडर द गिवन कंडीशन, sin θ कब होगा, तो ये x क्या होना चाहिए, sin 1 होना चाहिए। ठीक है, sin 1 अगर होगा, मतलब sin θ होता है अंडर द गिवन कंडीशन, हमेशा थीटा नहीं होता है। ठीक है, अंडर द गिवन कंडीशन ये थीटा होता है। ठीक, तो यहां पर भी sin x ये हो जाएगा, x के जगह क्या पुट करना है, तो वहां 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यानी ये sin 1 अगर हो ओपन इंटरवल में sin 1, तो यानी ये 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, ये 1 से कम पर पावर n होगा, यानी ये ऑप्शन आएगा a। ये ऑब्वियस क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना है। sin x जो है इसमें x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो x का वैल्यू sin 1 से sin 1 तक अगर होगा तो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, और -1 से 1 के बीच में अगर पावर आप इन्फिनिटी डाल देंगे तो ये हो जाएगा 0, और 0+1 हो जाएगा 1, तो आंसर होगा ए। थैंक यू बच्चों, तो हम लोग इनफाइनाइट लिमिट को भी पढ़ चुके हैं। अब अगला जो वीडियो आएगा बच्चों वो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पर बेस्ड, उसमें हम लोग डिफरेंट कंडीशन को देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पर बहुत डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।